इट्स ओके आप पे भी प्रेशर होगा, वो नहीं है बनाइए, बोल दो पुलिस से बात जाएगी, फालतू में आपका नाम बताइए, इसका पूरी पूरी अपन नंगी करो, इसकी बनाओ वीडियो बेशर्म पे, क्यों पूरी मारो फिर कंप्लेन करते हैं कि औरत कपड़े मारने का बोल दिया, कितना गंदा काम घिनौना काम कर लिया तुम, में इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें ये बात साफ आती है कि जो वीडियो है वो सिर्फ उसकी अपनी है, उसके अलावा किसी और की कोई वीडियो नहीं है। मोहाली नेड़े चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी विच पढ़न वालियां 60 तो ज्यादा विद्यार्थियों दे नौन दा वीडियो वायरल मामले विच आरोपी लड़की तो बाद पुलिस ने एक आरोपी नौजवान नु गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी नौजवान शिमला दे रोड़ू दा रहण वाला है अते आरोपी लड़की भी इत्थों दी है। मीडिया तो मिल रही जानकारी मुताबिक यह दोवें एक दूजे नु बहुत पहलां तो ही जानदे हन। उधर दूजे पासे सैकड़े विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी कैंपस विच दोबारा रोस प्रदर्शन कर दिता। इस रोस प्रदर्शन विच विद्यार्थियों दे मापे भी शामिल होए, विद्यार्थियों ने डीन ऑफिस भी घेर लिया सी। विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अते पंजाब पुलिस दे अधिकारी मामले नु दबा रहे हन। विद्यार्थियों ने यह आरोप भी लगाया कि इनक्वायरी पूरी होने तो पहला ही विद्यार्थियों दे वीडियो वायरल होने की गल खारिज कर दी गई सी। विद्यार्थियों दे रोस प्रदर्शन नु देखदिया यूनिवर्सिटी कैंपस विच पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने प्रदर्शन कर रही लड़कियां नु रोकने टैगोर होस्टल दे गेट नु ताला लगा दिता। इस तो बाद भी लड़कियां 10 फुट उच्चा गेट टप के प्रदर्शन विच शामिल होईयां। ए भी दस्सिया गया कि कई विद्यार्थियों ने काले कपड़े पहन के विरोध जताया। जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें ये बात साफ आती है कि जो वीडियो है वो सिर्फ उसकी अपनी है, उसके अलावा किसी और की कोई वीडियो नहीं है, ना ही स्टूडेंट ने खुद बताया है कि उसने किसी और की वीडियो बनाई है। इसके अलावा जो भी इक्विपमेंट्स हैं, फोन इक्विपमेंट है, कुछ भी और है, उनको ऑलरेडी हम कस्टडी में ले चुके हैं और उनको फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए आज ही भिजवाया जा रहा है। जो अब तक की तफ्तीश है उसमें ये बात साफ जाहिर होती है कि वीडियो जो है वो सिर्फ उस लड़की की अपनी है, उसके अलावा किसी और की कोई वीडियो नहीं है। प्लीज सब्सक्राइब प्रवासी टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन।